डॉक्टर एंजल बाटी चौहान आईएएस उत्तर तथा मध्य अंडमान के डिप्यूटी कमिश्नर और दक्षिण अंडमान के डिप्यूटी कमिश्नर श्री सुनील अंचीपाका ने निकाला आदेश। 28 अप्रैल से जितने भी लोग कन्वे से आएंगे उन्हें आपातकालीन स्थिति में ही मिडिल स्टेट और जिलगटांग से आने की अनुमति होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मामले में वृद्धि को देखते हुए डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ने आदेश दिया है कि सभी फिश लैंडिंग सेंटर में आने वाले मछुआरों और व्यापारियों को फिशर आईडी कार्ड साथ में रखना होगा और जितने जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा उन्हें मछली बेचने नहीं दिया जाएगा और साथ ही जो मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे हैं उनके पास भी फिशर आईडी कार्ड होना जरूरी है। आईडी कार्ड नहीं होने पर उन्हें मछली पकड़ने जाने नहीं दिया जाएगा। अंडमान के डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर एंजल बाटी चौहान ने लोगों की पेंशन वितरण को आसान बनाया है। निर्धारित समय के अनुसार वृद्धाओं, विधवाओं, बेसहारा और विकलांगों को घर घर जाकर पेंशन दिया जाएगा। आज से जिला के विभिन्न ग्राम पंचायत में पेंशन दिए जाने के लिए सूची जारी किया जा चुका है। आज डिगलीपुर ग्राम पंचायत में पेंशन दिया जाएगा। 28 अप्रैल को सुभाषग्राम ग्राम पंचायत, 29 अप्रैल को सीतानगर ग्राम पंचायत, 30 अप्रैल को आरतीग्राम ग्राम पंचायत, 3 मई को मधुपुर ग्राम पंचायत, 4 मई को राधानगर ग्राम पंचायत, 5 मई को कैलापुरम ग्राम पंचायत, 12 मई को दशरथपुर ग्राम पंचायत, 15 मई को जनकपुर ग्राम पंचायत, 17 मई को परनाशाला ग्राम पंचायत, 19 मई को सीतापुर ग्राम पंचायत, 21 मई को मिथिला ग्राम पंचायत, 25 मई को शबरी ग्राम पंचायत, 27 मई को विष्णुपुर ग्राम पंचायत, 12 मई को चेंगपुर, पहलगांव और मायाबंदर ग्राम पंचायत, 13 मई को रामपुर और कोकाडेरा ग्राम पंचायत, 14 मई को स्वदेश नगर और हरिनगर ग्राम पंचायत, 15 मई को बसंतीपुर ग्राम पंचायत, 12 मई को शिवपुरम ग्राम पंचायत, 13 मई को उर्मिलापुर, कौशल्यानगर और बकुंतला ग्राम पंचायत, 13 मई को लॉन्ग आइलैंड ग्राम पंचायत, 15 मई को निम्बुदला ग्राम पंचायत, 12 मई को उत्तरा और कदंतला ग्राम पंचायत, 13 मई को निलंबुर और सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत में दिया जाएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।